बाढ़ की समस्या से जूझ रहे जम्मू कश्मीर में आतंकियों का आतंक भी जारी है। बाढ़ की समस्या का लाभ उठाकर आतंकी लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ कर रहे हैं। प्रदेश के तंग मार्ग में आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया जबकि एक सिविलियन और एक सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। तंग मार्ग इलाके में कुछ आतंकियों के मौजूद होने की जानकारी मिलने के बाद सेना ने वहां सर्च ऑपरेशन शुरू किया। आशंका है कि तीन आतंकी एक घर के भीतर छुपे हुए हैं। सेना ने इलाके की नाकेबंदी कर ली है। शायद बहुत से इंटेलेक्चुअल थिंकर या मीडिया या यो नए पॉलिटिशियन दिल्ली में आए हैं पावर में, उन्हें मालूम नहीं है कि जम्मू कश्मीर में 5,000 के करीब तथा कथित सुरेंडर्ड मिलिटेंट, यानी यो 10-10 साल पाकिस्तान में ट्रेनिंग करके आए थे, कांग्रेस और पीडीपी की सरकार और उसके बाद कांग्रेस और एनसी की सरकार ने उन्हें वापस लाया, बाइज्जत हीरो बनाकर बहुतों को नेपाल के रास्ते लाया, पैंथर्स पार्टी इसकी मुखालफत करती रही। ये मामला बहुत लंबा है। 12,000 के करीब उग्रवादी जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर हैं, जिनको हमारी सरकारों ने भर्ती किया है। मुफ्ती साहब जानते हैं, उमर अब्दुल्ला जानते हैं, गुलाम नबी आजाद जानते हैं और दिल्ली भी जानती है। इफेक्टिव कदम उठाइए, कुछ अरसे के लिए जम्मू कश्मीर में गवर्न। उधर खुफिया एजेंसियों की चेतावनी ने बाढ़ से बेहाल लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। खुफिया एजेंसी ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि आतंकी बाढ़ का फायदा उठाकर हमले कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आईएसआई इस नापाक साजिश में आतंकी संगठनों की मदद कर रहा है। निशाने पर सेना के अड्डे और जम्मू कश्मीर के नेता हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और बाढ़ का फायदा उठाकर आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। जी हां, जम्मू कश्मीर का खराब मौसम से हाल बेहाल है, मगर इसका फायदा आतंकी ना उठाएं इसके लिए सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि आतंकी खराब मौसम का फायदा उठाकर घुसपैठ ना कर पाए। इसके लिए खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर सरकार का कहना है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और आतंकियों की हर हरकतों पर नजर रखी जा रही है ताकि पाकिस्तान कोई घुसपैठ ना करवा पाए। पाकिस्तान हमेशा अपनी वो नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बर्फ पिघल रही है, जो आतंकी ठिकाने उस पार हैं वो लगातार इस कोशिश में हैं कि हम कश्मीर में दोबारा से यहाँ की शांति को भंग करें। अभी फ्लड आया है, सारी सरकार की तवज्जा इस वक्त फ्लड की तरफ है, रिलीफ रिहैबिलिटेशन की तरफ है, और इस वक्त भी जिस तरीके से आईबी का अलर्ट आया है ये बिल्कुल सीरियस कंसर्न है। लेकिन हमारी जो फोर्सेस इस वक्त बॉर्डर पे हैं, मुझे गर्व हो रहा है जो इंडियन आर्मी वहाँ पर बैठी हुई है, हर किसी इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए सक्षम है। आपको बता दें कि बांदीपुरा और कुपवाड़ा के कुछ सेक्टर में सरहद के करीब लश्कर-ए-तायबा और हिजबुल के आतंकियों को देखा गया है। इन स्थानों से घुसपैठ की कोशिश हो सकती है। पुंछ सेक्टर में भी आतंकियों की हरकत बढ़ गई है। जैश मोहम्मद के आतंकी भी घुसपैठ की फिराक में हैं। जम्मू से आशीष कोहली के लिए हलीम कौर न्यूज। कश्मीर घाटी में लगातार हो रही बारिश के चलते पैदा हुई स्थिति और सितंबर 2014 में आई भीषण बाढ़ के सबक लेते हुए श्रीनगर जिला प्रशासन ने व्यापक प्री फ्लड इवैक्यूएशन प्लान का गठन किया है। इस योजना का गठन जिला प्रशासन ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर किया। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है बाढ़ के खतरे से लोगों को सुरक्षित करना। This is a very sensitive place and it is an important place for all of us because most of the pediatric patients, neonatal cases are coming to this hospital.
Our focus mainly is to bring the team of our own pediatrician doctors here and take a round and know about each other. So expectations of people are more and we are fully prepared for that. I definitely feel very good, although it's a very unfortunate situation. There should be no floods at all after the last time that happened. But I've got a chance this time, so I'm pretty much encouraged to do whatever we can. हम कल यहाँ आए हैं, तो कल से जो यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, तो यहाँ पर जो आर्मी की टीम भी आई है और यहाँ जो हॉस्पिटल के कंसर्न डॉक्टर्स हैं, वो भी पूरी तरह से केयर कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम विभाग ने फिर बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य में मौसम के हालात पर गंभीरता से चर्चा की गई, जिसकी अध्यक्षता मौसम वैज्ञानिक सोनम लोटस ने की। सोनम, मौसम विभाग के अधिकारियों ने उच्च इलाकों में नए सिरे से हिमपात होने के बाद घाटी के 7 जिलों के कुछ इलाकों में हिमस्खलन को चेतावनी जारी की है। देखिए, अभी एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो है अभी जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर परसिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से अभी तो खैर हल्की फुल्की बारिश जो हो रहा है, लाइट रेनफॉल हो रहा है हर जगह, लेकिन बाय इवनिंग हमें लगता है कि इसका इंटेंसिटी बढ़ेगा और आज रात को मॉडरेट रेनफॉल हर जगह पर हो जाएगा। तो कश्मीर के हर जगह, नॉट ओनली कश्मीर एंड जम्मू के इन पर्टिकुलर चिनाब एंड जिस पीर पंजल माउंटेन रेंज में मॉडरेट दरमियान के दर्जे बारिश होंगे, तो कुछ जगहों पे एक सम प्लेसेस में रिसीव हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग दिस पीरियड, लेकिन इसका इंटेंसिटी जो है ओवरऑल जो है जो पिछले 28-29 को होगा उससे कम होगा। खेमका को मिला विज का साथ। जी हाँ, खेमका विषय पर अनिल विज ने कहा है कि वे IAS अधिकारी अशोक खेमका के साथ हैं और इस विषय पर वह प्रदेश के CM खट्टर से बात भी करेंगे। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मनोज राठी के साथ। जी मनोज, क्या है ये पूरा मामला? अमिता, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अशोक खेमका की 21 साल की सर्विस में जो है ये 47वीं ट्रांसफर है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अशोक खेमका जो है काफी सुर्खियों में आए थे, जिस समय प्रदेश में हुड्डा सरकार थी, तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में जो है रॉबर्ट वाड्रा डील मामले में इन्होंने एक घोटाले को जो है उजागर किया था, तभी से जो है अशोक खेमका जो है यहाँ पर IAS ऑफिसर जो है वो उसमें सुर्खियों में आए थे और उसी के चलते लगातार जो है यहाँ पर कंट्रोवर्सी चलती रही। लेकिन उस समय भी जो है भाजपा, जब चुनावों से पहले जो है भाजपा सरकार ने जो है रॉबर्ट वाड्रा के साथ यहाँ पर उनके साथ रहने का वादा किया था और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के बात की थी कि जो भी घोटाले होंगे उसको जो है उसके साथ, लेकिन जब भाजपा सरकार यहाँ पर सत्ता में आई तो पहले तो है रॉबर्ट वाड्रा में जो है यहाँ पर उसको ढील दी गई। अब अशोक खेमका को जो है पहले जो है ट्रांसपोर्ट विभाग दिया गया, लेकिन कल देर रात जो है यहाँ पर अशोक खेमका का ट्रांसफर जो है वो पुरातत्व विज्ञान में कर दिया गया। उन्होंने अशोक खेमका ने ट्वीट करके भी ये कहा था कि ट्रांसपोर्ट विभाग में जो है उन्होंने करप्शन खत्म करने के लिए कई कोशिशें करी हैं, लेकिन अब उनका तबादला कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं उनको निंद काफी जो है निराशा जो है यहाँ पर है। लेकिन अब जो है अनिल विज ने जिस तरह से पहले भी ये ट्वीट करके कहा था कि हमेशा जो है अशोक खेमका के साथ है, तो इस बार दोबारा से आज बयान आया है अनिल विज का कि वो अशोक खेमका के साथ हैं और इस मामले में जो उनकी ट्रांसफर हुई है इस मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से जो है बात करेंगे कि उनकी ट्रांसफर आखिर क्यों किए गए। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक जो अच्छे जो IAS ऑफिसर हैं अशोक खेमका का बार बार ट्रांसफर जो किया जाना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक भाजपा सरकार के ऊपर सवालिया निशान जो है वो खड़े होते दिख रहे हैं, क्योंकि पहले भी इनके कई बार ट्रांसफर हो चुके, क्योंकि एक बहुत ही IAS ऑफिसर अच्छे IAS ऑफिसर हैं और निष्पक्ष तरीके से जो है ये अपना काम करते हैं, और पहले भी कांग्रेस के समय में जो है इन्होंने कई ऐसे घोटालों को उजागर किया है, उसके बाद अब जब भाजपा की सरकार आई है तो कई ऐसे घोटालों को जो है सामने लाने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उनको दबाने की कोशिश की जा रही है या फिर ऐसे विभाग में उनको जो है ट्रांसफर करने की कोशिश की जा रही है जहाँ पर जो है वो चुप रहे। जी अच्छा, बिल्कुल मनोज, IAS अधिकारी अशोक खेमका जो हैं बहुत ही अच्छी छवि के जो जाने जाते हैं, उनका इतनी बार तबादला कर दिया गया है, तो क्या लगता है कि अनिल विज के अलावा कोई और सियासी आगू उनके पक्ष में बोलेगा, क्या उनकी सुनवाई जो वह हो सकेगी? तो बिल्कुल, जिस तरह से मैं बताना चाहूंगा कि देर रात जो है ये ट्रांसफर किए गए हैं, 9 IAS ऑफिसर के ट्रांसफर किए गए हैं, जिसमें अशोक खेमका बिल्कुल एक अच्छी छवि के इंसान है, अच्छे IAS ऑफिसर हैं और उन्होंने कई घोटालों को जो है उजागर किया है, रॉबर्ट वाड्रा डील
मामले में उन्होंने काफी जो है यहाँ रिपोर्ट सौंपी थी, तो कहीं ना कहीं जब उनको जो है भाजपा सरकार ने, जिस तरह से मैंने पहले बताया, तब भी उन्होंने जो जितने भी नेता थे उनके साथ थे और उनका कहना था कि जो भी घोटाले हैं उनके साथ हैं, लेकिन अब भाजपा सरकार आते ही जिस तरह से उनके तबादले किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सवालिया निशान। हालांकि अनिल विज अभी तक अनिल विज सामने आया है कि अशोक खेमका का जो ट्रांसफर हुआ है उसको लेकर वो उसके साथ है और सीएम से बात करेंगे आखिर ट्रांसफर क्यों है। हालांकि अभी और कोई मंत्री जो है, मंत्री का कोई इस पर बयान नहीं आया, लेकिन अनिल विज ने जिस तरह से पहले भी एक ट्वीट करके कहा था कि वो हमेशा जो है अशोक खेमका के साथ है और एक अच्छी छवि इंसान के साथ है, तो आज भी जो है अनिल विज का यही बनाया रहा है कि वो हमेशा उनके साथ है और उस तरह से सीएम से जो है वो इस मैटर पे बात करेंगे कि आखिर उनका ट्रांसफर जो है वो यहाँ से हटाकर दूसरी जगह क्यों किया गया। जी मनोज, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बता दें कि आईएएस अधिकारी अशोक खेमका का एक बार फिर से तबादला कर दिया गया है। इस विषय में अनिल विज ने उनका साथ देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि वह इस विषय पर प्रदेश के सीएम खट्टर से बात करेंगे। तबादले के बाद आईएएस अशोक खेमका ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में खेमका ने कहा है कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट विभाग में सुधार और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए खूब मेहनत की। दर्दनाक है ये पल। आपको बता दें कि खेमका का एक बार फिर तबादला कर दिया गया। उन्हें परिवहन आयुक्त जैसे अहम पद से हटाकर कम महत्व वाले पुरातत्व व संग्रहालय विभाग में डीजी और सचिव लगाया गया है। खेमका का नाम बुधवार को देर शाम जारी हुई 9 आईएएस अफसरों और एक एचसीएस अफसर की ट्रांसफर लिस्ट में शामिल है। खेमका हाल के दिनों में वाड्रा डील पर सीएचई की रिपोर्ट के बाद अपने ट्वीट बमों के कारण सुर्खियों में आए थे। वाड्रा डीएलएफ लैंड डील को खारिज करके चर्चा में आई आईएएस अशोक खेमका का वाहनों की ओवरलोडिंग पर सख्ती और परिवहन मंत्री रामलाल शर्मा से खटपट के बाद 4 माह में ही फिर से ट्रांसफर कर दिया गया। परिवहन आयुक्त लगने के साथ ही खेमका ने अधिकारियों को ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान छेड़ने के निर्देश जारी किए थे। ऐसे वाहनों को सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताते हुए खेमका ने आदेश जारी किए थे कि अगर कोई ओवरलोड वाहन पकड़ा जाता है तो उसका सामान उतारकर ही उसे आगे जाने दिया जाएगा। यही नहीं, संबंधित ओवरलोड वाहन के पंजीकरण एवं परमिट निरस्त कर दिए जाएंगे। परिवहन आयुक्त की इस कार्रवाई के बाद प्रदेश के ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर चले गए थे, इसलिए परिवहन मंत्री रामविलास शर्मा से अनबन भी हो गई थी। शायद इसी वजह से 4 माह में ही उनका तबादला कर दिया गया। देखिए, ईमानदार लोगों को हर जगह दिक्कत है, कोई पसंद नहीं करता जल्दी ऐसे लोग, तो उस बेचारे की तो कांग्रेस राज में भी दिक्कत हुई, इसमें भी हुई, आगे और उनको दिक्कत होगी। जजों के सामने सरफास निकलकर आत्महत्या करने वाले केबल ऑपरेटर जसविंदर सिंह जस्सी की मौत का मामला गहरा गया है। यहां जस्सी के परिवार वालों ने दूसरे दिन भी न्याय के लिए सड़कों पर प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता खैरा पीड़ित परिवार से मिले। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने फोन पर पीड़ित परिवार के सदस्यों के साथ हमदर्दी प्रकट करते हुए पूर्ण साथ देने का आश्वासन दिया। पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता व पूर्व विधायक सुखपाल सिंह खैरा भी परिवार से मिले और मांग की कि इस मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। खैरा ने कहा है कि यह एक सुनियोजित कत्ल है। सुखबीर बादल केबल माफिया को संरक्षण दे रहे हैं क्योंकि केबल माफिया की काली कमाई को हिस्सा सुखबीर के पास भी पहुंचता है। कांग्रेस पार्टी इस मामले को पूरी तरह अपने हाथ में लेकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएगी। सो व्हाट आई वांट टू से इज के पीटीसी सुखबीर बादल दा चैनल ते फास्ट वे ये आपस विच रल के काम कर रहे ने, इन्हां दी इत्थों मिलीभुगत नजर आ रही, लेकिन ये काम केवल कोई इंडिपेंडेंट इनक्वायरी इसनों बेनकाब कर सकती। और सब तो मैं ज़्यादा समझदा कि या तो फिर जुडिशियल प्रोब होवे और उदे च टर्म्स ऑफ रेफरेंस विच ये भी इनकलूड किया जाए बिसाइड्स फाइंडिंग द कल्प्रेट्स ऑफ जसविंदर जस्सी, द अदर पोर्शन शुड बी कि सारे पंजाब का केबल नैटवर्क ट्रेड किदा मोनोपलाइज किया गया, किदा हाईजैक किया गया, किहड़ा माफिया वा और इस माफिया नूं पेट्रोनाइज करन वाले कौन आ, किदा सुखबीर दी हदायतां दे उत्ते 4 गनमैन दिते गए सरबजीत सिंह राजू नूं, इह सारी गल दी जांच होनी चाहीदी आ।
और मैं नाल डिमांड करदा कि घट्टो घट 50 लाख रुपए कॉम्पनसेशन दी जाए जसविंदर सिंह जस्सी के परिवार को। इट्स अ वेरी डीप नैक्सिस, मैं नाम लै दिता ना नैक्सिस का कि सुखबीर बादल दसे कि वह बेनामी है कि नहीं है, पैसा इतने लग्या हुआ, गुरदीप सिंह जुझार दसे और सरबजीत राजू दसन कि इन्हों का की कनैक्शन है सुखबीर नाल, किदा सिक्योरिटियां मिलदियाँ, किदा इन्होंने सारे शहरों के जाके कब्जा करके अपने बक्से ला ले सारे सारे छोटे व्यापारियों तो सारे आज जस्सी वर्गे सारे छोटे ओपरेटर तो सारा ट्रेड खोलिया वा। हाउ इज इट पॉसिबल जब तक पॉलिटिकल बैकिंग ना हो आप कर सकते कोई भी आदमी काम। उधर अमृतसर के DCP हरजिंदर सिंह ने 3 आरोपियों सरबजीत सिंह राजू, स्थानीय अकाली नेता प्रितपाल सिंह लाली और गुरिंदर सिंह बब्बी की तस्वीरें जारी कर दी हैं। DCP ने कहा है कि आरोपी पुलिस के भगौड़े हैं, तलाश में छापेमारी की जा रही है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो CP साहब वालों स्पैशल इन्वेस्टिगेट टीम तैयार की जिस मैं इंचार्ज सीगा, नाल मेरे है ACP नॉर्थ और नाल है SHO सिविल लाइन और साड़ी असी DCP साहब की अगवाई में काम कर रहे हैं। आज सुबह ही जो स्पैशल टीम का हुक्म मिलया उस वेले असी सारे मीटिंग करके वो केस नूं गंभीरता लेंदे हुए सारा सब तो पहला असी हाल जग जिथे घटना हुई सी हॉलीडे ने मुलाजा मौका किया, उतो जो मुलाजम से उन्होंने पुछगिछ तो इस घटना संबंधी जानकारी ली है और उत्थे बह के जो CCTV लगे उसकी फुटेज बड़े ध्यान नाल वेखी है। जल्दी ही उम्मीद है सानू भी जिथे असी टीमां भेजियां साडे दोषी हत्थ लग जाणगे। इस तों अलावा जो साडी कार्रवाई मुताबक 3 दोषियों के LOC जारी कर दिए गए हैं और उन्होंने 3 दी फोटो भी धरियां सारी असीं तुहानूं प्रेस नूं जारी कर रहे हैं और लोगों को अपील करांगे असीं कि जिथे भी होण इन्हां संबंधी इतला जिहड़ी है सानू दित्ती जावे। शिमला में एक पुलिसकर्मी पर सरकारी बस ड्राइवर के साथ बदतमीजी करने का आरोप लगा है। इस आरोप के चलते राजधानी शिमला में चालक और परिचालक के संघ के लोगों ने चक्का जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे लगाए। रास्ते से गुजर रहे प्रदेश कांग्रेस युवा अध्यक्ष विक्रमादित्य के बीच बचाव से जाम को खुलवाया गया। शिमला के काट रोड पर यातायात स्थिति को पुलिस द्वारा संभालना उस समय और मुश्किल हो गया जब सरकारी चालकों और परिचालकों द्वारा चक्का जाम कर दिया गया। मामला भी पुलिस से जुड़ा था। दरअसल हुआ ये कि एक सरकारी चालक ने नशे में धुत पुलिस पर जबरदस्ती बस रोकने और बदतमीजी का आरोप लगाया। देखते ही देखते विधानसभा के नजदीक लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें लग गई और चालक और परिचालक संघ ने पुलिस प्रशासन के विरोध में नारे लगाने शुरू कर दिए। वहां से गुजर रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री के बेटे और प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रमादित्य ने बीच बचाव कर मामले को शांत किया। वहीं परिवहन मजदूर संघ के अध्यक्ष ने कहा है कि पुलिस इस तरह के व्यवहार पहले भी करती आ रही है। उधर पुलिस प्रशासन का कहना है कि जिस तरह के आरोप चालक लगा रहे हैं कि पुलिस के जवान ने शराब पी रखी थी और चालक के साथ बदतमीजी की, वह बिल्कुल ही गलत आरोप है। उन्होंने कहा है कि हमने पुलिस जवान का मेडिकल करवाया है, उसमें किसी भी तरह का अल्कोहल नहीं पाया गया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से चालकों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान किया है उस पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ टाइम पहले मेरे को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि बस स्टैंड के पास ट्रैफिक बिल्कुल जाम हो गया है। HRTC के ड्राइवर्स ने बसों को सड़क में खड़ी बंद करके चले गए हैं और ट्रैफिक को बिल्कुल जाम करके वहाँ नारेबाजी कर रहे हैं। इस इन्फॉर्मेशन पे मैं वहाँ पहुँचा। स्पॉट में जब मैं पहुँचा तो वो मेरे पास एलिगेशन लगा रहे थे मेरे एक स्टाफ पे, भाई वो दारू पी के ड्यूटी कर रहा है और हमारे सबके गलत चलान कर रहे हैं। तो इस पे मैंने उसको अपने ट्रैफिक कंट्रोल भेज दिया और उसका मेडिकल के लिए भेज दिया। अगर मेडिकल में उनके सामने हमने भेजा भी, अगर मेडिकल में शराब आएगी तो तुरंत उसको सस्पेंड करके लाइन भेज देंगे। झूठी इन्फॉर्मेशन थी। अगर इन्फॉर्मेशन सच्ची भी होती तब भी एक तरीका होता है कि इन्फॉर्मेशन कैसे देनी है, ना कि आम आदमी को परेशानी में डालना, ट्रैफिक को पूरी तरह बंद कर देना, जिसमें 2-3 एम्बुलेंस बहुत मुश्किल से हमने निकाली। शिमला से विशाल ठाकुर के लिए हलीम कौर, 10i न्यूज। शिमला शहर की पार्किंग समस्या को कल सदन में भी जोर शोर से उठाया गया। प्रश्नकाल के दौरान इस मसले पर पक्ष और विपक्ष ने में जमकर बहसबाजी हुई। आखिर में सरकार ने बताया कि शहर के लिए 2000 गाड़ियों की पार्किंग इसी साल के अंत तक उपलब्ध हो जाएगी और 49 नए पार्किंग भी लाइन में हैं। शिमला के विधायक सुरेश भारद्वाज ने आज प्रश्नकाल के दौरान सरकार पर आरोप लगाए हैं कि वो पार्किंग निर्माण को लेकर गंभीर नहीं है और जो प्रोजेक्ट भाजपा ने शुरू करवा दिए थे उन्हें भी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है और ऐसे में पार्किंग की कमी के चलते लोग परेशान हैं। हमने जो मुद्दा पार्किंग का उठाया था
उसमें बेसिक तो क्वेश्चन था कि कितनी पार्किंग है अभी तक, तो जो जवाब आया है उसमें केवल मात्र जो पार्किंग्स बनी हैं यहाँ पर वो 719 गाड़ियों के लिए केवल मात्र अभी तक पार्किंग है। उसके अतिरिक्त जो है वो कुछ पार्किंग्स रोड साइड पर जो है वो इन्होंने अलाउ की हैं, वो 300-400 गाड़ियाँ जो है उसमें पार्क हो सकती हैं। मेरा प्रश्न ये था कि जो बाकी गाड़ियाँ यहाँ पर हज़ारों की संख्या में हैं उनके लिए क्या यहाँ पर कोई व्यवस्था है और आप व्यवस्था करेंगे? उसके जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमने बहुत सारी जगहें आइडेंटिफाई की हैं लेकिन वो अधिकांश जगह फॉरेस्ट लैंड्स हैं, कहीं CPWD की लैंड है इसलिए उस पर जो है वो कोई अभी तक पार्किंग बनी नहीं है। जवाब में शहरी आवास मंत्री सुधीर शर्मा ने बताया है कि अभी पूरे शहर में मात्र 700 गाड़ियों की पार्किंग है लेकिन एक साल के भीतर संजौली, छोटा शिमला और लिफ्ट आदि जगहों पर 2000 गाड़ियों की पार्किंग उपलब्ध हो जाएगी। इसके अतिरिक्त 49 नई पार्किंग को भी विकसित किया जा रहा है ताकि समस्या से पार पाया जा सके। उन्होंने कहा है कि सरकार शिमला और अन्य जगह पर भी पार्किंग के लिए विचार कर रही है लेकिन वहां से विभागों से क्लियरेंस लेने में अड़चने आ रही हैं, जिसे जल्दी ही सुलझा लिया जाएगा। देखिए, जो जहां तक पार्किंग का सवाल है जो कि सुरेश भारद्वाज शिमला के विधायक हैं उन्होंने उठाया था, शिमला में अभी तक 711 गाड़ियों की पार्किंग का प्रावधान है लेकिन ये पब्लिक पार्किंग है। उल्लेखनीय है कि शिमला में स्थानाभाव के कारण पार्किंग एक बड़ी समस्या का रूप लेती जा रही है और लोगों को मजबूरी में सड़क किनारे वाहन खड़े करने पड़ रहे हैं, वहीं चोरी में भी इजाफा हुआ है। शिमला से विशाल ठाकुर के लिए हरिनकॉट NIT न्यूज। हिंदी समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।